राम सिया राम हो जय गणेश जय गणेश गिरिजासुवन जय गणेश गिरिजासुवन बुद्धिरास गुणधाम विमल बुद्धि वर दीजिए पद गही कर दपड़ा लाल दे हलाली लसे आरुधर लाल लंगूर बज्र देह दानव दला जय 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 कपिसूर नमो नमो बिंदेश्वरी नमो नमो जगदम्ब भक्त जनों के कार्य हित मां करती नहीं विलंब सिद्धि सनानी भवानी अंबिका है आर्य उबार्य मुझे सदा है दुष्ट दल की नाशनी काली खंगवाली कृष्ण कपिला कपालिनी भवानी सर्वंगल है ससुरगासिनी है तारिणी निवारणी है भद्रकाली आपके चरणों में नमस्कार हमार अट्टहासिनी कृष्ण की बड़ी बहन नंद कुल में जन्म ले महिष का रक्त पीने वाली काली बिंदवासी सदगुरु स्वामी दीन बंधु के सदगुरु स्वामी दीन बंधु के सदा झुकई बैमाथ दुखिया ऊपर दया करा जय जय दीना नाथ अच्छा बाबूजी आज इस ऐतिहासिक धरती जहां पे आज बड़े हर्षोल्लास के साथ
भारत के महान रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती बड़े धूमधाम से हर साल की भांति इस साल भी यहां इस प्रांगण में, इस मैदान में, इस पावन पवित्र धरती के पावन स्थान पे हो रहा है। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज सरदार जी की जयंती मनाई जा रही बड़ी धूमधाम के साथ। ऐसे अवसर पे यहां उपस्थित तमाम हमारे विरह के सुनने वाले श्रोता बंधु, हमारे सामने अगल बगल माताएं बहने बैठी हुई है, पिता तुल्य नौजवान साथी एवं छोटे छोटे देश के भावी कर्णधार बच्चों, हम बाल चरण यादव एवं साथी जनपद चंदौली शहीदी धरती धानापुर से चल करके आपके सामने आपके प्रांगण में यहां उपस्थित हुआ हूं। जो भी त्रुटियां होगी, जो भी कमियां होगी, जो भी गलतियां होगी इस दास से, आप लोग अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझ करके मेरी त्रुटियों को, मेरी गलतियों को क्षमा करने की कृपा करेंगे। वैसे हमहन कोनो गलती कर बदे नहीं आले, गलती हो जाले, गलती होले, अचानक हो जाले। आप लोग देखा ला, कभी कभी जल्दी में काम गबड़ा जाला, जो ज्यादा बोलता है कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती है। जैसे अब तुरंत बताई भेजे, जैसे हमारे एक वक्तागण यहाँ अभी अभी बोल रहे थे, का हो बड़ी अच्छी अच्छी बात बोल रहे थे, उनकी बात हम लोग बड़े गौर से वहां बैठ करके सुन रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बात बोले सरदार भाई पटेल जी के बारे में, बच्चों के बारे में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये तो सब अच्छा लगा। लेकिन का हो भैया, 10 बज गल, कब ले बा लोग पैसा वैसा बिहाने ना ले बा, छोटी बा, 200 किलोमीटर आई ले जाए इतना दूर, ये बढ़िया है भैया। भाई गवाइए, जब ले आप लोग हैं तब लोग हम लोग सेवा करेंगे। हम लोग कभी के आए हैं, हम लोग तो कभी के आए हैं, कोई बैठाने वाला नहीं है कि लीजिए कुर्सियां, लीजिए आप बैठिए। आप पहले ये देखिए कि अगला का मैं क्या कर रहा हूं, सम्मान कैसे किया जाता है। पैसा ले ला बड़ा भैया, झूसी बड़े लाल यादव जी, गुरु रामधार जी के आप शिष्य होवन, हमार साथी होवन, बड़ा कई मोड़ पर कई बार भेंट मुलाकात भइल बा, ये क्षेत्र में अगले पर बहुत मुलाकात होले, बराबर मिलना, इस धरती के महान हस्ती स्वर्गीय हैदर अली जुगनू साहब और स्वर्गीय राम कैलाश बाबूजी और ऐसे ऐसे महान हस्तियों से गाने बजाने का मौका मिला है। हम लोग गाए हैं उन हस्तियों का, उन कलाकारों का जो अपने से बड़े होते हैं, विरह होती है, खूब होती है, जमकर होती है, लेकिन बड़ा छोटा का लिहाज करके हम लोग सम्मान करते थे और उसके बाद कहते थे कि गुरुजी आप गाइए, जितना मन हो सके गाइए। महाभारत में भी आप देखे होंगे कि गुरु के सामने शिष्य जाता था तो धनुष पे बाण चढ़ा करके पहले प्रणाम करता था, मारता था, उसके बाद लड़ाई तो होती ही थी। तो साथियों आप लोग बैठ जाएं आराम से, भाई के तरफ से ये पुरस्कार मिला है, बार बार नमस्कार है, उपस्थित साथियों को नमस्कार प्रणाम है। और कोई भी कार्य करने से पहले हम कलाकार अपने अपने लोग, अपने अपने इष्ट को, अपने अपने भगवान को, अपने अपने माता पिता को याद करते हैं। तो हम गायक कलाकार हैं, हम इस श्रेणी में पहले अपने माँ की आराधना करेंगे, जिस माँ के आशीर्वाद से हम लोग
आप लोग के बीच में आए हैं गाने बजाने के लिए। तो उस माँ की आराधना है, और आराधना के पहले स्वागत है। अभी स्वागत हुआ श्याम बाबू गुप्ता जी, जो मोबाइल से मुझे फोन किए कि गुरुजी आपको यहाँ गाना है। मैंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि मुझे गाने का सौभाग्य उस मंच पे मिलेगा। तो आपने यहां हमें बुलाया और आपने स्वागत भी किया, पुष्पाहार और एक सुंदर साफा और साथ में पुरस्कार दे करके आपने सम्मानित किया है। भैया को बार बार प्रणाम है, उपस्थित तमाम श्रोता बंधुओं को नमस्कार प्रणाम है। तो आइए मास्टर, एक माता रानी की आराधना हो जाए, वंदना हो जाए, जिस माँ के आशीर्वाद से हम लोग देश विदेश में गाने बजाने का मौका मिलता है, आपके चरण का दर्शन मिलता है। आइए भैया, कैसे का कहना है, फरियाद है, क्या कहना है मास्टर? सवारी शक्ति की अवतार, मोरी मयरिया हो हम क्या हुए असरा तोहार। हे माई, इदास खड़ा हुआ गावे बदे, बोले बदे न गावे का ढंग हा, न बोले ही का ढंग हा, न साज है न आवाज है। ऐ माँ, आज इदास के तोहरा सहारा है, नैया बीच धारा में चक्कर काटा था, पतवार बन करके मेरी नाव को किनारे लगा दीजिए। माँ कैसे कहना है, बड़े बड़े लोगों का बाह पुजौली के कर पुजौलू, बहुत अच्छे। अरे बन के पूजमान माई, लू यार
जमान माई उदल कै भवनिया, रनवा जी तवलू आके कृष्ण कै बहनिया। जब जब भक्तन के जरूरत पड़ल, धर्म संकट में पड़ल है, तब तक पुकारल है और आय के लाज बचवलू। एक बात और कहना है, कैसे भैया? ओहो हो, अरे फेरलू नजरिया माई, अरे फेरलू नजरिया माई, हिला सिंहासन पा, तोहरा आसरा हो, हमके हुए आसरा तोहार। ए माई, जैसे रोज आवलू गवावलू, वही तरह से आजो आवा गवावा। हाय भैया लोग हो, एहू लोग के कोनो गुण सहुर ना हो, इजल वाद्य यंत्र हो, नए लोग के पास गावे का सहूर हो न बजावे का सहूर हो, तो सब कुछ तुम्हारे सहारे हो। तो ही आवलू तो गवावलू, तो ही आवलू तो ऐसा समाज बजवावलू। आखिरी लाइन में कहना है, जैसे रोज आवलू इस तरह से एक बार आवा आशीर्वाद दे दमाई। कैसे कहना है? मयारिया हम के हल्ले आसरा तुहार, अच्छा भैया, इतरहल माई के बंदना। हाँ,
सब बाबू को होई बाबू को होई पूरा कर ए भैया जह माई वही जय बाबू अच्छा अजह बाबू वही जय माई माई से दूर बाबू हो न बाबू से दूर माई है तो आइए आइए माता रानी के वंदना हो गई बाबू के कार्यक्रम के शुरुआत माई का तो हो गल है बाबू के विषय में गावे के हो एक हम लोग के पीछे भी बाबू हो होई होई घबड़ीने से ना होई भैया ए भैया तनी सावा मास्टर कुछ बजा दा तनी बड़का बाबू का हो जाए बड़का बाबू का होई तब छोटके बाबू को होई हाँ सबके बाबू को होई आवा गीत हमार मास्टर वह बजावत हो सावन का महीना का महीना होला महीना में रहबा करला सावन का महीना इतना मन भावन होला इतना प्रिय होला भाई साहब एठन लिखाई हो कहत हो कि तब मेहरारू का महीना होला अच्छा तो मर्दनों को होला भाई पठा बात दूसरे जगह से बोला था सावन का महीना औरतन के लिए मर्दन के लिए फागुन इनके कहे का मतलब यह प्रिय होला के लिए कार्तिक महीना जो है बारहों महीना प्रिय हो अपने अपने ढंग से लेकिन तुहरे समझ का बात है व्यक्तिगत सुझाव हो चला कोनो बात नहीं है लेकिन पुरनिया लोग कहल बतावल तोरी भाई साहब से हम बता दिलिए देखे सावन का महीना बहुत मनभावन होला बहुत प्रिय होला भगवान भोलेनाथ के दर्शन लोग करल सावन के महीना में एक महीना धूमधड़ाम विशेष कर सावन के महीना में सोमवार का मान्यता बहुत अधिक है कावर लोग कावरिया लोग कावर लेके जाना बाबा धाम दर्शन कर दे डीजे पर नाचत हुआ गावत हुआ माता बहन भी अब तो माता बहन भी लोग वहां जाते हैं बाबा धाम तो भाव वहां कहो कैसे हो मास्टर हम लोग एकदम विरह के लिए शांत वातावरण विरह के तीन दुश्मन बालक बात बयार बालक हुआ लड़का हुआ उनके रामायण महाभारत वीर रस और उनके साहित्य फाहित्य से कुछ लेवल अधिक ना हो उनके पटेल जी से कुछ लेवल अधिक ना हो लड़कन की बात करती हूँ लड़का आयल हो बिरहा देखे बदे सुनहु बदे ना आयल हो बिरहा देखे बदे आयल हो कि आज बाल चरण का सोना सुहानी का बिरहा कितना मुंह बही है चल के देखल जी कवन गवैया कई इंच का मुंह बावला एकाडे धुन तर्ज हो जाए तो कहीं है जिया राजा अभी है चपले हर राजा चपले हम अभी अच्छा पे शुरू कर बालक बात बयार बात हुई तो काम गबड़ा जाए दिमाग बटला और बयार हवा हवा चलले हवा भी दुश्मन हो तो कैसे भाव हो कैसे मास्टर बहुत अच्छे
अरे शिव के भगतुन के सुखे भगतन के भीरा पार हल्दा देखा भगति के नशा चढ़ हल्दा नाचे कवरिया डहरिया में डीजे बजा के बाह जोश होला उमंग होला कवरिया लोग कांवर लेके चलना झूमते हुए गाते हुए जाते हैं बाह कैसे हमारे सर कावरियन वाली रहल है तनी से भाई साहब का मिजाज बदल गल मास्टर कोनो गीत लगा दल दूसर कोनो देखलस तो कहत बाय कोनो लड़की के देखलस तो करे रूप का वर्णन करत है कैसे वर्णन करत है मास्टर बा गलत बात नहीं है ओकरे सुंदरता का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कैसे कह रहा है मर्जन गजब का रूप तोहर गजब का रूप तोहर और गजब सुरतिया तू पवलू ना हो खबलू मुहबलू ना हो
अरे ले ला ले ला ले ला चुड़िया ले ला ले ला ले ला चुड़िया अरे बिजवत नारी है ये चंदा का चमक है हमें चंदा का चमक है हमें ये लाली हाली छम्मन चूसा रले से थोड़ा सा हमन के दिक्कत होते है ना सीधे थोड़ा अब आप लोग बैठल हुआ ऐसे ताके कहत हुए देखे और सीधे जब नजर से नजर मिले ले तो टकराव होले एक एनर्जी मिले ले कुछ बात ये देखे पुरस्कार बहुआरी कला से ये भैया हमारे पुरस्कार दलन है सिपाही जी ठीक है ना भैया गलत बोला जाए तो ना बीस तक दोबारा दस से देखे सुधरवा लिया लोग के साफ साफ बोलवा लिया सुधरवा लिया ने लिखित दे दिया ता वैसे हमन गलती कर बदे ना आया ली गलती हो जाने कब कब आइए हिंदुस्तान की उस महान विभूति के बारे में शाम से ही इस मंच पे अच्छे अच्छे वक्ता विद्वान वक्ता बोल रहे हैं जब बोल रहे थे तो आप लोग बैठ करके सुन रहे थे कुछ बचा नहीं है कुछ बचा नहीं है लेकिन जब हम लोग आए हैं तो हमको भी दो लाइन दो बात उनके विषय में बताना ही पड़ेगा हिंदुस्तान की महान हस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आज नहीं होते इस देश में पैदा नहीं हुए होते तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता उनके विचारों को आज भी अपनाने की जरूरत है उनके विचारों पर आज भी चलने की जरूरत है उनको आत्मसात करने की जरूरत है तो आइए दो लाइन उन महान विभूति के बारे में तर्ज हो कवन तर्ज हो मास्टर जो है अरे चढ़ते बसंत के ओ अरे चढ़ते बसंत के उड़ल गर धीरे मोरी देहिया भैलबा हो मोरी देहिया भैलबा पी यह तर्ज लेकिन गाने का भाव है क्या लिखे हैं कवि जी कैसे लिखे हैं अरे पटेल बंस कला है पुरुष सिंगार रहल हो भारत भारत भारती के भूषण भारत भारती के भूषण आदर रहल हो भारत भारती के भूषण
भारत भारती के भूषण सरदार रहले हो बा, अपने काम को अपने काम में मन लगाते थे, अपने काम के अंजाम को पूरा करके ही मानते थे। जो उनके दिमाग में आ जाता था कि ये मुझे करना है, उनकी इच्छा थी मुझे विद्वान बनना है, मुझे धनवान बनना है, तो मन में जो जो ठान लेते थे उसको करते थे। और होना भी चाहिए, कैसे कहना है, क्या लिखे हैं कवि जी, कैसे लिया? अरे छत्तीस का कोर सतीसा माह में पूरा, अरे बन गए बरिस्टर को है नूर मोर शिक्षा दीक्षा शुरू किए, अपने ही देश से बड़े हुए तो विदेश में भी जाते हैं और वहां भी शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेने के बाद वापस आते हैं, कैसे कहना है मास्टर? किसान आंदोलन चल रहा था पर डोली में, किसान आंदोलन चल रहा था, अरे झंडा बुलंद किए कृषक टोली में, भारती का भूषण हर भारत, भारती का भूषण सारा तार रहे। अजय कुमार पाल जी बबुरहिया से ये बहुत शानदार पुरस्कार 10 रुपए दे करके सम्मानित किए हैं। पार्टी से बार बार प्रणाम, हर भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम। ऐसे महान सपूत की जयंती यहां मनाई जाती है जो 1875 में पैदा हुए, 15 लाल जी बबुरहिया से ये 20 रुपए का पुरस्कार बढ़ल भैया, बढ़ल 10 से 20 भैल, बहुत शानदार पुरस्कार है। आओ लॉकडाउन लगावा लोग, पुरस्कार तो पुरस्कार होता है चाहे 5-6 रुपया कहे ना हो। हम कलाकार अगर आप लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि भैया को हमारी लाइन, हमारा गाना अच्छा लगा है तो 10-5 रुपए लिया करके दिए हैं।
अब बढ़ रहा है, हो सकता है और बढ़ जाए। तो कहना है कैसे बाबू, 1875 में पैदा हुए, हम जल्दी की 500 वाली है, बढ़ी बढ़ी बढ़ा था तो बढ़ी 51 रुपया, 500 में 51 रुपया पुरस्कार मिलल। अब फुट करना है श्रीमान संतोष निषाद जी। अरे बारे निषाद भैया भगवान राम के बैठकवा से निषाद राज बारे बैठकवा बारे भैया मल्लाह भैया 51 रुपया पुरस्कार दिला भगवान राम के अपने नैया से नैया पर बैठा के पार उतर ले रहा जब वनवास भेल रहा। निषाद राज कहला कि हे प्रभु अगर तुहार तो पाँव पड़ी हमरे नैया पर तो कहीं हो न गड़बड़ हो जाए, डूब न जाए ही में। तो पाँव वाँव धो के तो नैया पर बैठोलस बेचारा। बारे निषाद राज जी बड़ा लोग 10 बार बोली बात है, 1 बार बोलियो तो आइए। 1875 में पैदा हुए, लेकिन एक बात और कवि जी लिखे हैं कैसे मास्टर। आए हाय हाय हाय, अरे एक बेरे आवाज जब एक बेरे आवाज जब अरला बुलाऊंगा हो चलता पीछे पीछे रेला चलता आ सब कर पसंद हो में से 30 रुपया पुरस्कार जवाहरलाल बिहारी लाल आदिवासी भाई बबूरा के निवासी 30 रुपया पुरस्कार देना ना भैया के बार बार नमस्कार हो भैया। हाँ वो विषय पूरा कर दिया भाई, वो विषय बाकी हो मन में आई तो पूरा कर दिया, लेकिन कोनो जबरी ना है, प्रेम का सौदा है भैया। तो बार बार नमस्कार है हर भैया लोगों के, नमस्कार प्रणाम है। ए भैया शिक्षा दीक्षा पूरी हुई पढ़ करके आते हैं हिंदुस्तान, धनवान बनने की इच्छा थी और विद्वान तो थे ही। देखिए हमारे देश में ऐसी ऐसी विभूतियां पैदा हुई, जैसे महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी को हम याद करते हैं। गांधी जी ऐसे थे, लोग कहते हैं कि एक एक तमाचा कोई गाल पे मार देता था तो कहते थे कि इस ओर भी मार दो, मार दो। गांधी जी और अंबेडकर जी, वो महान सपूत अंबेडकर जी के बारे में भी ये सब हस्तियां हैं, गांधी जी अंबेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये अगर नहीं होते तो शायद देश आजाद नहीं हुआ होता, खंड खंड टुकड़ों में विभाजित था, इसको एक सूत्र में पिरोने का काम किए। वाह
बारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आज उनकी हम जयंती मनाते हैं, बड़े धूमधाम से उनके विचारों को सुनते हैं, आपके बीच में कहते हैं, इसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। लोग कह रहे थे कि यहां राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन राजनीति करिए, लेकिन एक दिन नहीं करिए। हाँ तो धरती के नमन हो कि सवेरे हिसाब होई, कागज कलम लेला लिखला के 30 ठे देला सब के 11 ठे देले हो। तो पुरस्कार ये 100 रुपया में 11 रुपया वो कहाँ से लुटावल जी 89 रुपया काल लुटावल जी सवेरे। पुरस्कार दिया भैया को बार बार नमस्कार है, लेकिन कहना है कैसे भैया देखे शिव बहादुर सिंह पूर्व प्रधान, देवेंद्र सिंह पूर्व प्रधान, मुन्ना सिंह पचवा है, मिश्री लाल सिंह खरियानी, तारापति सिंह नगई का पूरा प्रधान जी के साथ ये सबका पुरस्कार 151 रुपया ही बड़ा महीन लिखल हो। आ, ये काउंट एक का है, ऐसे चश्मा निकाल लो के भल है। ये शानदार पुरस्कार दे करके आप लोगों ने सम्मानित किया है भैया लोगों के बार बार नमस्कार है, मैं क्यों को लुटावे कि ना भैया नहीं हो कर के रख रहा। बा एक बात कहना है, अरे 15 में 12 वोट अब पीएम का पावल है। पीएम का चुनाव लड़ते हैं और 15 वोट था जिसमें 12 वोट पाते हैं, कहना है कैसे 15 में 12 वोट अब पीएम का पावल है। अरे तो कृपलानी नेहरू शून्य पर रहल है, का चुनाव लड़ते हैं पाते हैं, लेकिन गांधी जी की इच्छा थी कि जवाहर बने। उनके हार्ट को देखते हुए अपनी इच्छा जो है, कहते हैं कि जो मन में आए करिए आप लोग, तो तुरंत जाए दो वोट कृपलानी जी पाते हैं और गांधी जी शून्य वोट इनको मिला, तो कहना है कैसे बाबू। अरे एकता के सूत्र में देशवा को बांधे, अरे छोटा छोटा रियासत को, छोटा छोटा रियासत को एक ही में नाथे, खंड खंड जो रियासत थी भारत, भारतीय
हम मंत्री चमका सत्ता में सितारा गृह मंत्री भी भारत के थे और इन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ऐसे महान विद्वान थे, ऐसे महान ये हस्ती थे। तो कहना है कैसे बाबू, गृह मंत्री चमका देश में सितारा, हीरो हिंदुस्तान का, हीरो हिंदुस्तान का करुणा धार रहा हो, भारत भारती का भूषण सरदार। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी के तरफ से मंच थोड़ा ऊंचा है और सास समाज बजट था, थोड़ा दिक्कत हुई तो क्षमा करिए आप लोग। सिलौटी के धरती से ये 50 रुपया और 100 रुपये का पुरस्कार मोहनलाल जी जयकर लालगंज जयकर, अरे वाह रे जयकर की धरती, गौतम मोहनलाल गौतम जी जयकर से। एक बार जयकर में भाई विजयलाल और अनीता राज मेरा कार्यक्रम हुआ था उस धरती पर और बहुत बड़ा सम्मान जयकर वालों ने दिया, हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। एक लाइन और है, कैसे कहना है, रहते पटेल आज देशवा भी जाता हो, अरे घर घर कर रोटी आज मजहब कर रोटी आज घर घर सुनाता हो, मजहब कर रोटी लाई भूषण, ओ भारत भारती का भूषण सारा दार रहला हो, भारती का भूषण सरदार, भारती का भूषण सरदार। राम कृपाल यादव करपालपुर से ये सम्मानित साथी हमारे भाई के द्वारा 151 रुपए का पुरस्कार दिया है। देखा 10 से बढ़ल 151 हो गए। तो ये धरती, यहाँ के लोग धन्य है और ये धरती भी धन्य है कि धीरे धीरे क्रमशः लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं और कलाकारों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। भैया को बार बार नमस्कार है। तो भारत भारती का भूषण
हो भारत भारती के भूषण सरदार रहल हो भारत।